ये बिरयानी के चावल निकाल लिए। ये बिरयानी के चावल भीगने के लिए रख दिए। लगभग 1 घंटा से 1 से 2 घंटे इसको भिगोया जाएगा। ये गर्म हो गया है, अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक भुनेंगे। तब तक मसाले देख लेते हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हरी मिर्च, धनिया, जीरा, सौंफ, इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची और कुछ फूल, और ये दालचीनी, और ये काली मिर्च, और यहाँ पर हमने आधा किलो गोश्त लिया है मुर्गे का, और ये टमाटर की चटनी के लिए जो मिर्ची और टमाटर निकाले हैं, सौंफ डाली गई है, जीरा, और ये बाकी बड़ी इलायची, दालचीनी, और ये काली मिर्च। और ये हरी मिर्च साबुत। तो मिक्स करके गोल्डन ब्राउन जब तक हो जाएगा तब तक भूनेंगे। ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, इसमें गोश्त डालेंगे तलने के लिए, जो कि हमने पत्ते के लिए उबाल रखा है। नींबू ने थोड़ा जा रहा है, जिससे कि ये गोश्त फूटे ना, इससे नींबू से गोश्त फूटता नहीं है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है इसको गोश्त को गलाने के लिए, फिर इसको बंद करके रख देंगे ताकि गल जाए। ये मिर्च डाला गया है, लाल मिर्च थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा मिक्स मसाला, इसको थोड़ी देर जब तक ये थोड़ा गल नहीं जाता तब तक इसको पकाएंगे बंद करके। ये हमने पैन रख दिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, ये हमने थोड़ा सा तेल डाला, थोड़ी कमी रह गई है, थोड़ा और डालेंगे। इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे, ये प्याज इसमें तल के बाद में उसके चावल से बघार लगाएंगे उससे, फिर थोड़ा सा ऑयल भी इसमें, थोड़ा सा बिरयानी थोड़ी सी ऑयली लगेगी। ये गोश्त हमारा लगभग थोड़ा गल गया है, थोड़ा सा फिर बाकी है, थोड़ी देर इसको और पकाएंगे। लाल ये गोश्त हमारा बन गया है, आज मैं चावल ऐड करूँगा, चावल ऐड करते हैं।
फ्लेम को लो कर देंगे। प्याज हमारा लगभग ब्राउन हो गया है, थोड़ा और जो है तो करेंगे हम ब्राउन, जब बिरयानी पक जाएगी ऊपर से इस पर बघार लगाएंगे। इसको बीच में चलाना ज़रूरी है, नहीं तो नीचे के चावल हो जाएंगे ऊपर के कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इसको बीच में चलाना ज़रूरी है। अगर अखनी वाले पकाएंगे तो उसमें पहले से चावल उबाल लिए जाते हैं, इसलिए उनको चलाया नहीं जाता है। इसको बंद करो। हाँ तो कही दो। ये बिरयानी रेडी हो चुकी है। हाँ कही दो, बन गया, खा लो भैया। इसमें ऑयल डाल दो ऊपर जिसमें प्याज डाला गया था। बड़ा हुआ था।